हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ लास्ट तक वीडियो के बने रहना है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है जनता दल की स्थापना का श्रेय, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर या वीपी सिंह या लालू प्रसाद। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वीपी सिंह को श्रेय दिया जाता है। चलिए, यह क्वेश्चन आपको बीएसएबी यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में यानी 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ चुका है, ये आपको हर हमें पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू। और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर टू का। 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना। तो कौन बना था सबसे पहले गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री, नरसिंह राव, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कौन बना था यानी अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री बनी थी जो यानी गठबंधन सरकार से थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री में और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए फटाफट कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने की आशंका से त्याग पत्र दिया। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पे आपका थ्री का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसको आशंका था कि विश्वास का जो मत है वो गिर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है। तो कौन सा दल शामिल नहीं है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राजद या भाजपा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो शामिल नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे और आप लोग आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला जा रहा है, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है। तो कौन सी विकृति आई है प्रमुख, राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना या क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष। तो यहाँ पे आपका आंसर फाइव का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो कौन सी पार्टी है जिस पार्टी की से भारतीय जनता पार्टी बना है, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल या भारतीय जनता दल। तो यहाँ पे आपका सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय जो जनसंघ है इसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, बना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन में और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा आपका। कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है। तो कौन सी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या शिवसेना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर एट। क्या है क्वेश्चन नंबर एट में, 2014 से 19 में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मीरा कुमार या श्री ओम बिरला या मीरा सिंह या सुषमा स्वराज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो श्री ओम बिरला थे वो 2014 से 2019 में लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन में, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है सही सुमेलित, शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल या मनमोहन सिंह कांग्रेस या मायावती बहुजन समाज पार्टी या लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपका नाइन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ये जो यानी जो लाइन है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर टेन। क्या है क्वेश्चन नंबर टेन में,
निम्नलिखित में कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, यानी कौन से लीडर थे जो, यानी जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उसके समय वो उप प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर, लालू प्रसाद या देवीलाल या एसआर बोम्बई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी देवीलाल उस समय क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे जब वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ज्योति बसु, ममता बनर्जी या शरद पवार या एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ममता बनर्जी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन गलत है, विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं, फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, या ए तथा बी दोनों। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक है, ये भी जो सेंटेंस ऑप्शन है गलत है, और बी वाला भी ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, और आप लोग सारे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और लाइक कर देना है क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ पे 13 में बोला जा रहा है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व, वीपी सिंह ने या इंदिरा गांधी ने या देवीलाल ने या चंद्रशेखर ने। यहाँ पे आपका 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था, वीपी सिंह ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो कौन सा राजनीतिक दल था जो 2010 के जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उसको प्रथम स्थान था, जनता दल ने या कांग्रेस ने या राष्ट्रीय जनता दल ने या भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी जनता दल प्रथम स्थान पे था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, 1978, 1979, 1980 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1980 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, तो कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रीय दल है तेलुगु देशम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है कौन, तेलुगु देशम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी, तो कौन सी पार्टी बनाई थी, जनता दल बनाई थी, जनता पार्टी बनाई थी या स्वतंत्र दल या लोक दल। तो यहाँ पे आपका 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी बनाई थी। चलिए ये भी आपको क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, आप लोग सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका 18 का। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह थे या देव गौड़ा थे या इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे आपका 18 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ये गठबंधन की सरकार के ये पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई, तो किस दल ने सरकार बनाई थी 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या इनमें सभी। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें सभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, कमेंट में आंसर बताइए फटाफट आप लोग, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 242, 243 या 244 या 245। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 243 निर्वाचित सदस्य हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, बिहार के राज्यपाल कौन थे, कौन थे बिहार के राज्यपाल, सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद या देवानंद कुंवर या केसरीनाथ त्रिपाठी। यहाँ पे आपका 21 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्यपाल मलिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में,
बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राबड़ी देवी है ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए ये आपको 2019 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको हर हाल में कवर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो टाइम पीरियड कितना होता है विधानसभा परिषद के सदस्यों का? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी भारत की? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की जो पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 25 में? किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री था? देखिए ये झारखंड बोर्ड में पूछ चुका है 2019 में, अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह या राजीव गांधी? यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव। ये क्या थे यानी 1991 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पूरब की ओर देखो की जो नीति थी उसी का आरंभ किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो कौन सा राज्य है जिसकी पार्टी है AIADMK? बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा या केरल? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। कौन? AIADMK। किसने कहा कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या BR अंबेडकर? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया है? तो कौन सा नमूना का तत्व है उसको विशेष महत्व दिया गया है? चलिए आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगे रहना, या निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, या सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि करना, या भारी औद्योगिकीकरण करना? तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, इस तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री था जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? सामाजिक न्याय के साथ साथ यानी सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है? गरीबी का निराकरण हो, रोजगार के अवसर बढ़े, निजी क्षेत्र की प्रगति हो, या आर्थिक प्रतिबंध शिथिल किए जाएं? तो यहाँ पे आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निजी क्षेत्र की प्रगति हो, ये सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इसमें ये तत्व शामिल नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? लोकसभा वो विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़े वर्ग या आंग्ल भारतीय जन? तो यहाँ पे आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, और आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगे तो आपको क्लास को लाइक कर देना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो कौन से राज्य में हुई थी दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे 6 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में हुई थी दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में?
भूमंडलीकरण के निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं है नहीं आता है, तो कौन सा तत्व नहीं आता है, दूरियों का अंत, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, या सांस्कृतिक आदान प्रदान, या स्वदेशी की गुहार। तो यहाँ पे आपका 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो स्वदेशी की गुहार है यह भूमंडलीकरण के निहितार्थ में नहीं आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 में, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, किसे माहड़ का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो आप लोग बताइएगा, महात्मा ज्योतिबा गोविंद फुले को, या महात्मा गांधी को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या पेरियार को। तो यहाँ पे आपका 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माहड़ का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो कौन सी घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, या जनता दल का संगठन, या राजग सरकार का गठन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था कब, 6 दिसंबर 1992 को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो कैसी अर्थव्यवस्था है, निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, यानी निजी अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मिक्सचर है। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत, जी हाँ जो मनरेगा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई थी वो ने किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, या इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, या मनमोहन सिंह के द्वारा, या एचडी देव गौड़ा के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई थी मनरेगा कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। तो किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है, कालेलकर आयोग, या मंडल आयोग, या सच्चर आयोग, या पटवर्धन आयोग। यहाँ पे आपका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी मंडल आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 1 मई, 26 जनवरी, या 10 दिसंबर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर को मानव यानी विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, जिनेवा में है, लंदन में है, या न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पे है, लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, मायावती, बी.आर. अम्बेडकर, या पंडित नेहरू, या कांसीराम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमराव अंबेडकर ने की थी। यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2017 में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे समाजवादी यानी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, मायावती, अंबेडकर, कांसीराम, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कांसीराम ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू, नवीन पटनायक, या ए.के. एंटनी, या जसवंत सिंह। तो यहाँ पे आपका 17 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वेंकैया नायडू। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। तो कौन है हमारे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद है, सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, या जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए तो यहाँ पे 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे अभी क्या है, राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने भी सारे ऑब्जेक्टिव थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपको किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट हो तो आप यानी टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर अपनी यानी क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वहां टाइम पर डाल दिया जाता है और टाइम पर आप वहां पर क्लास कर सकते हैं। चलिए तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।